हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज ये कॉलोनी का गेट के लिए मैं ये लेकर आया हूँ एंगल, देख पा रहे हैं मोटा है और इस टाइप का पाइप लेकर आया हूँ, भारी भी है और मैं इसको लगाऊंगा और गेट बनाऊंगा। इसे छेद भी करना इस प्रकार, क्योंकि जाली जाली फिट होगा। और ये सारा मैंने पत्ती लेकर आया, ये मोटा हैवी वाला, कम से कम 1 से 1.5 किलो, और ये काट के रख दिया मैंने। इस टाइप का ये दरवाज़ा लगेगा, ये बीच में यहाँ कुंडी वगैरह लगेगा और ऐसे खुलेगा। और ये देखिए, ये वाला पत्ती जो लगाया हूँ, ये सारा काट कूट के फिटिंग कर दिया। इसको अभी ले जाऊँगा दुकान में। ये 4.5 फीट का है गेट हमारा, और दोनों काट कूट के मैंने फिट करके रखा, बल्कि इसको अभी लेके जाना है मुझे दुकान। और चलिए दुकान में देखते हैं कैसे फिटिंग करते हैं। ये आ गया, ये काट रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया 1-2 जगह पे, तो फिटिंग कर रहे हैं काट कूट के, देखिए। और ये कट गया थोड़ा सा, और बचे हैं। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ और भी कुछ बनाने के लिए, और कॉलोनी में भी अभी बनाना है, पूरी तरह फिट नहीं हुआ। और ये दरवाज़ा हमारा फिटिंग, अब इसको वेल्डिंग करना है। ये एक एंगल लग गया आपका, और ये कब्जा लॉक वगैरह, इसको अब खाली वेल्डिंग करना है। ऐसा लॉक लगाया मैंने, ये हैवी है लॉक, सही भी है और ताला भी लग जाएगा इसमें। और ये लेके आया हूँ 4.5 फीट का गेट है, सॉरी 4.75 फीट का गेट था ये। और ये अभी वेल्डिंग हो रहा है। वेल्डिंग होने के बाद देखिएगा, मैं अब इसको ले जाऊंगा अपने घर और इसको फिटिंग करना है, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि गेट को फिटिंग करना, लेकिन टाइमिंग नहीं मिल पा रहा था, उस चक्कर में मैं लगा नहीं पाया। और ये हो गया, और थोड़ा सा दिखाई जाती है, दूसरा हिस्सा की तरफ फिनिशिंग करना है, क्योंकि फंस जा रहा था, चेक किया था। और ये लेके आया हूँ गेट, अब इसको फिटिंग करना है। ये ड्रिल मशीन वगैरह हमारा सब कुछ, बिजली बिजली सारा लगा दिया। और ये ड्रिल, ये दरवाज़ा, ये देखिए, इस साइड से बनाऊंगा। अभी मेरा मिस्त्री आने वाला है, और ये देखिए, अभी मेरा मिस्त्री आएगा। और ये देखिए गेट, ये कब्जा 3 लगा दिया, तीनों का सही है ये भी। अभी मिस्त्री आएगा और फिटिंग करेंगे, तो देखिए कैसे फिट होता है। ये देखिए, मैं दरअसल वो नट लगा दे रहा हूँ जो लेंटरों पे चदरों वाला लगाते हैं, वो इससे थोड़ा लंबा वाला पेच लगा दिया। और ये उसका बेबी छोटा सा, अभी पेंट थोड़ा सा बाकी था, वो भी मैं निपटा रहा हूँ। ये देखिए, पेंट तो नहीं, ये प्राइमर करके रख रहा हूँ, क्योंकि प्राइमर करने से जंग नहीं आता है, इसलिए मैं पहले प्राइमर कर देता हूँ, उसके बाद में जाके मैं पेंट करूँगा। और प्राइमर से ये कि ना करो तो जंग आ जाता है। इधर का मैंने ये फाइनल कर दिया, और इधर देखिए ये हो रहा है। इधर से ये मोटा वाला एंगल लगा दिया, मतलब चद्दर जैसा जो एंगल आता है वो मोटा वाला लगाया। और इधर से ना, बाहर से मैंने ये नट से सारे कस दिया। और ये है मेरा पुराना केजी छोटा, अब इसको बड़ा बनाया हूँ ये पहले, क्योंकि उसमें बहुत सारा हो गया और मेरा बहुत सारे परिंदे उड़ भी गए हैं जिस कारण। और ये है हमारे मम्मी जी, और इसमें चिड़िया छोड़ना है, इसलिए पूजा पाठ करना है अभी, तो उसके लिए झाड़ू पोछा लग रहे हैं। तो दी दाओ सबाई रे, दी दाओ और ये अब पॉलीथीन लग रहे हैं, मेरे मामा जी पॉलीथीन लगा रहे हैं, इसमें भी इस साइड का लग गया और इस साइड का भी लगाने वाले हैं। पॉलीथीन में तीन से अच्छी तरह ढक देते हैं, क्योंकि
एक बार में लगाना है क्योंकि बार बार लगाने ठंड का मौसम तो चले आया है। मैं सोच रहा एक बार में ही लगा दूँ क्योंकि बार बार लगाने बाद में कुछ फुर्सत भी नहीं मिलेगा मेरे को काम के सिलसिले में। और ये देखिए फाइनल हो गया, ये और अभी एक छोड़ के देखता हूँ इसमें एक पेयर, ये मेरा अच्छे वाला जो पेयर है वही, एक मटकी तो पहले से लगा हुआ और ये मटकी के साथ लगा दे रहा हूँ, इसमें एक बच्चे भी हैं और ये पेयर पूरा बना हुआ है इसमें छोड़ के देखता हूँ आज फर्स्ट बार, और देखिएगा और आप लोग भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं। और कलोनी के लिए भी बताइएगा कैसा बना, कोई कमी तो नहीं है, आप लोगों के ऊपर निर्भर है, अब जो बताएंगे कमी उस हिसाब से पूरा किया जाएगा। और देखिएगा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये देखिए उड़ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।